सब आ गए हैं। ट्यूब और पंप बिना लिए बीआरएम में नहीं आने का। आने का तो दोस्त लोग के साथ आने का। और नहीं कोई मिला तो हमको खोजने का पंजा बनाने के लिए। एक्सप्लोर विद अविनाश। ये दुकान देख लो, यहीं पर अविनाश मिलता है पंचर बनाने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद अविनाश। आज है 12th ऑफ सितंबर और हम निकल चुके हैं अपने 200 बीआरएम के लिए। आपको आगे बताएंगे कि क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है, कौन कौन हमारे साथ जा रहा है और क्या आज का दिन का हमारा शेड्यूल रहने वाला है। तो ड्यूरिंग द राइड बाकी लोगों से भी मिलाएंगे। और ये हमारी साइकिल है रेडी, सारा कुछ फुल्ली लोडेड और हम भी हैं फुल्ली लोडेड। तो आइए शुरू करते हैं। तो बारिश हो रही है काफ़ी जोरों की और हम निकल चुके हैं स्टार्ट पॉइंट के लिए। आज स्टार्ट पॉइंट थोड़ा चेंज है बिकॉज गणपति के कारण मुंबई में 144 सेक्शन लगा हुआ है, जिसके कारण ऑर्गेनाइजर्स ने जो स्टार्ट पॉइंट था वो थाने म्यूनसिपल एरिया में शिफ्ट कर दिया है। तो अभी आपको सामने होटल टिपटॉप प्लाजा दिख रहा होगा, आज का स्टार्ट पॉइंट यहीं से है। तो अभी हम बाइक चेक कराएंगे, डेबिट कार्ड हमने पहले ही कलेक्ट कर लिया है क्योंकि ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होने के कारण प्री कलेक्शन डेबिट कार्ड का ऑप्शन था जो हमने ले लिया था। और कुछ क्राइम मास्टर गोगो लोग हमें दिख गए हैं। ये देखिए हमारे दो महारथी दोनों रोड बाइक लेके भागने के लिए रेडी हैं। श्रीधर सर हमें मिल गए हैं। श्रीधर सर हेलो। ये देखिए लेट लतीफ आदमी आज जल्दी टाइम पे आते हुए, ऐसा स्पेयर व्हील भी आया है। हमारे साथ चलाओगे आप अगर एमटीवी पे है तो आप हमारे साथ। अरे ऐसा कुछ नहीं है, होते तो कहाँ होते सर। ये देखिए लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन करते हुए पूरा पीएल निकल गया लेकिन पढ़ाई नहीं किया, अभी पढ़ाई कर रहे हैं ये लोग। बचपन की आदत अभी बुढ़ापन में जाएगी नहीं। एक लास्ट चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं बस, एक ही चैप्टर, सबसे छोटा चैप्टर भी पढ़ रहे हैं। ये देखिए लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन, घर से नहीं लाया रिफ्लेक्टिव है, यहाँ पे जुगाड़ किया जा रहा है इनका। यही सब स्टूडेंट होते हैं जो टीचर्स को निराश करते हैं। ऐसा आदमी है जो अपने सेट को काम पे लगाया। देखो ये एक पार्टिसिपेंट जो सुबह सुबह कल्टी मार दिए है और व्हील लेके वॉलेंटियर बन के आ गए हैं और बेचारा अपने एम्प्लॉय को मेंटर कर रहे हैं, काफी मदद कर रहे हैं। बहुत अच्छा सेट है ये, ऐसा सेट मिलेगा नहीं। आ गए हैं राजा राम सर जो अभी हमें दिख जाएंगे, बाद में दिखेंगे नहीं। हम अपने मॉर्निंग टाइम पे निकल चुके हैं और हमारे लिए और हमारे लिए 2-3 साल में पहली बार है कि हम 5 बजे घर से निकले। ये देखे ये आदमी, ये देखिए इस आदमी को, अरे 400 नहीं करना, माना तुम छुट्टी तुमको एक ही दिन का मिला है लेकिन एक ही दिन में 400 नहीं चला के आने का, 200 चलाना है। बाद में मिलते नहीं है, ये थप्पा लगते हुए कि ये आज प्रेजेंट है। तो अभी हमारा बाइक चेक हो चुका है और हमारा कितने बजे का स्टार्ट है, 6 बजे का। और आज फुल पिकनिक मूड में है सब लोग, कोई भी आराम करने नहीं आया है, सब पिकनिक मनाने आए हैं। एमटी भी आया है और हमारा स्टॉप कितना डिसाइड हुआ है, जाने टाइम तीन स्टॉप, आने टाइम का काउंट नहीं है। ये एक नया नवेला पापा आया है हम लोग के साथ, इसका बैग वैग चेक करो, बॉटल इलेक्ट्रोलाइट और यूनिवर्सल पापा उधार का भी चीज लेके आ रहे हैं लोग। ये देखो सुबह सुबह फ्री सर्विस देते हुए किसी को ट्यूब दे रहे हैं, किसी को रिफ्लेक्टर दे रहे हैं, किसी को व्हील भी दे दिया इन्होंने। नगर में सेवा कर रहे थे आज थाना में, तो उनको इंटरनेशनल सेवक घोषित कर देते हैं। इंटरनेशनल वैसा इंटरनेशनल सेवक। ये देखिए कहाँ से आए, डायरेक्ट रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, रिपोर्टिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका विदाउट सिक्योरिटी गार्ड। और ये हमारा के नागराजू विजया के रिप्रेजेंटेटिव, विजया नहीं है आपका, आपका वो फाउंडर किधर गया, एक्सपोर्ट वो 1800 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। अरे 1800 के लिए 200 करेगा तभी 18 पहुंचेगा। विजय
अजय सर लेजेंड है, उनको 200 वगैरह करने का जरूरत नहीं। अजय सर को रिटायर कर दिया। चलो ठीक, टोल नाका 1 किलोमीटर आफ्टर दैट गो ऑन टू द सर्विस रोड, अनदर किलोमीटर आफ्टर दैट राइट नेक्स्ट टू द फ्लाईओवर अंडर इट। गुड मॉर्निंग अविनाश। अरे श्रीधर सर, तो ये अभी हम लोग निकल गए हैं और खड्डे ही खड्डे हमें मिल रहे हैं और लाइन से सब जाते हुए 6 बजे का स्टार्ट हो गया है हमारा। तो आज का BRM हम MTB पे कर रहे हैं क्योंकि हमने लास्ट 3 महीने में अपने रोड बाइक को रोड पे उतारा ही नहीं। तो और जैसा कि आपको अभी आगे दिख रहा होगा रोड पे इतने खड्डे हैं कि, तो आज पहली बार हम MTB पे 200 किलोमीटर राइड करेंगे। पहले भी मैंने कभी MTB पे 200 किलोमीटर राइड नहीं किया। पहले भी जब हाइब्रिड, पहले के BRMs मैंने सब हाइब्रिड पे किए थे। आज देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ये देखिए एक बड़ा गड्ढा आ गया है हमारे सामने। ये है थाने की सड़कें। See this guy. कौन कहता है कि आपको साइकिलिंग के लिए फैंसी साइकिल्स की ज़रूरत है। ही इज डूइंग ऑन सिंगल स्पीड बिटवीन माई बाइक द गोड़बंदर क्लाइम। और दिस इज श्रीधर सर क्लाइंबिंग गोड़बंदर क्लाइम। ऐसे ही रास्ते के लिए आज हम, ऐसे ही रास्तों से अपने बाइक और अपने आप को बचाने के लिए आज हम रोड बाइक पे नहीं आए हैं और MTB पे आए हैं। बट आई थिंक ऐसा सेक्शन सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर ही हमें मिलने वाला था। इसके बाद लगभग 5 किलोमीटर बाद हमें रोड बाइक की कमी खलेगी। तो अभी हम अपने पिकनिक के पहले ब्रेक पे आ गए हैं और यहाँ पे वड़ा पाव एंड चाय का आनंद लिया जाएगा, आनंद लिया जाएगा, पेट को कुछ दिया जाएगा। अच्छा तुम नरेंद्र को पहचानते? नरेंद्र को नहीं पहचानता। ये नरेंद्र वो, उसने मेरे को पिज्जा वीजा खिलाया था, बर्गर वर्गर उगतपुरी में। तो मतलब आज भी मिलने वाला है क्या हम लोग को? देखो अभी तुम उसके साथ पंचर हेल्प करेंगे जरूर आपको हम। आप चाय पिलाएगा? ट्यूब है आपके पास? मैं ट्यूब जला ला हूं, हवा नहीं बह रहा हूं। चाय पिलाएगा तो? हां ठीक है, फिर अविनाश तुम को हेल्प करेंगे। तो ये भाई का पंचर हो गया है, अभी इनको हम मदद करेंगे। आप नाम नहीं पूछ रहे? आपका नाम? सिद्धेश। तो सिद्धेश की साइकिल है स्कॉट, साइकिल बहुत मस्त है लेकिन पंचर किसी का भी हो सकता है। तो आपको ट्यूब और पंप दोनों चाहिए। ट्यूब किधर है? ट्यूब है सब आ गए हैं। ट्यूब और पंप बिना लिए BRM में नहीं आने का। आने का तो दोस्त लोग के साथ आने का। और नहीं कोई मिला तो हमको खोजने का पंचर बनाने के लिए। एक्सप्लोर विद अविनाश। ये दुकान देख लो, यहीं पर अविनाश मिलता है पंचर बनाने के लिए। ये चाय सर किसको किसको नहीं मिला है? ये चाय आ गया है, हम चाय लेते हुए विजय सर को चाय लेते हुए। ये हमको हम कह रहा आज का मेहनताना मिल गया है। पहला आदमी जो हेलमेट से बात कर रहा है, बोलो ना। यही है सेना हेलमेट का कमाल। हेलमेट से बात करते हुए आदमी। तो अभी हमने 74 किलोमीटर कर लिया है और यहाँ पे चाय पानी नाश्ते के लिए रुके थे। चाय पानी नहीं लिया, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और वेफर, कोल्ड ड्रिंक और वेफर खाया। और अभी नमक चले गया, सॉल्ट इंटेक लिया बेसिकली। तो सॉल्ट इंटेक जरूरी है BRM के लिए, बहुत ज़रूरी है। और कोल्ड ड्रिंक भी बहुत ज़रूरी है, सोडा भी बहुत ज़रूरी है। शुगर शुगर एंड सॉल्ट दोनों इंटेक हो गया। एंड दिस यू कैन टिप्स यू कैन ओनली गेट एक्सप्लोर विद अविनाश। एक्सप्लोर चलो आगे। बहुत ज़रूरी है कि आप किसी ना किसी के साथ राइड करो, अकेले राइड ना करो।
क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ में आपको कहीं भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। ये दो सुपर इंजीनियर हमारे आगे आगे चलते हुए और हम इनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं। तो ये राइडर्स आ रहे हैं, हर तरह के राइडर आपको मिलेंगे, फास्ट राइडर, स्लो राइडर सब मिलने वाले हैं आपको। हर टाइप के राइडर हैं। कंप्लीट बारिश है, पिछले एक डेढ़ घंटे से हम कंप्लीट बारिश में ही साइकिल चला रहे हैं और थोड़ा सा आगे पीछे हो गए हैं ग्रुप से क्योंकि अब नज़दीक ही आने वाला है। तो बारिश में मैंने अभी तक जितने भी BRM किए थे, इस टाइप का BRM मैंने कभी नहीं किया आज तक। बारिश में BRM एक बार भी, एक मिनट भी हमें धूप नहीं मिली है और अभी तक टाइम हो चुका है लगभग 10:32 हो चुका और धूप हमने देखा नहीं है और लगभग पिछले 2-2.5 घंटे से हम कंटिन्यूस बारिश में ही चला रहे हैं। मौसम बहुत ही अच्छा है, चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, दोनों साइड रोड के पहाड़ है लेकिन दिख नहीं रहा है कुछ भी बारिश के कारण। नेक्स्ट 10 किलोमीटर में हम कंट्रोल पॉइंट पहुँच जाएंगे, वहाँ पहुँच के आपको अपडेट देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लॉन्ग राइड BRM 100, 200 किलोमीटर, 300, इस टाइप के राइड के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो ये राइड्स आपको बहुत परेशान करने वाले हैं, और अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, मेंटली आपने अपने आप को स्ट्रांग किया हुआ है, तो इवन आपकी प्रैक्टिस थोड़ी कम ज़्यादा भी है, देन ऑल्सो दीज थिंग्स विल नॉट बॉदर यू मच। तो प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली एंड द मेंटल कॉन्फिडेंस विल कम ड्यूरिंग द प्रैक्टिस राइड ओनली। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप बिना प्रैक्टिस किए भी ये सब कर सकते हैं, बट मेंटल फिटनेस जो होगा वो काफ़ी डिपेंड करता है। तो गाइस, वी हैव रीच्ड द कंट्रोल पॉइंट होटल अतीत और अभी यहाँ पे हम अपना स्टैम्पिंग करवाएंगे, टाइम स्टैम्पिंग, एंड देन आई थिंक थोड़ा आगे जाना है फिर आगे जाएंगे। तो यहाँ काफ़ी लोग ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं एंड लेट्स सी क्या होता है। तो अभी हमने अतीत होटल पे, जो कि ऑलमोस्ट 98 किलोमीटर था, 98 किलोमीटर पे अपना एक टाइम स्टैम्प करवाया है और 2 किलोमीटर आगे जाकर फिर एक दूसरा टाइम स्टैम्प होगा। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है बट आज क्योंकि स्टार्ट पॉइंट चेंज हुआ था 2 किलोमीटर अहेड ऑफ यूजुअल स्टार्ट टाइम, जिसके कारण ये सब चेंजेस हैं। नॉर्मली आपको एक ही टाइम स्टैम्प नोट करवाना पड़ता है, एक ही कंट्रोल पॉइंट पर जाना होता है। तो ये हमारे राइडर्स सेकेंड कंट्रोल पॉइंट पे टाइम स्टैम्प लेते हुए, यूजुअली ऐसा कंट्रोल पॉइंट होता नहीं है लेकिन आज आने वाला है। आज गणपति स्पेशल, अविनाश, आज गणपति स्पेशल के कारण 2 कंट्रोल पॉइंट्स हैं हमारे पास। सो विल कंटिन्यू मोर 100 किलोमीटर फ्रॉम हियर एंड बाकी लोग हमें रास्ते में मिलेंगे, सो लेट्स सी हाउ द रिमेनिंग 100 किलोमीटर गोज। नो ओ माय फोन इज ऑफ।